हेलो गाइस, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फार्मेशन चैनल। गाइस, हम प्रेजेंट है लेकर के एडवर्ब का, इंग्लिश का जो पार्ट आप इस वीक का पार्ट करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। तो मैं लेकर के एडवर्ब का प्रेजेंट हूँ और नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव के वीडियो बन चुकी है। यदि नहीं देखे तो आप उसे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। आपको प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो अलग अलग से मिल जाएंगी, साइको की अलग से मिल जाएगी, इंग्लिश की अलग से, करेंट्स की अलग से मिल जाएगी। तो आप प्ले ग्रुप में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम एडवर्ब की एमसीक्यू 20 लेकर के आए हैं। एमसीक्यू कराने से पहले हम आपको इसके बारे में थोड़ा से परिचित इससे करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एडवर्ब जो शब्द जो है वर्ब और एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, फ्रेज, सेंटेंस, कंजेक्शन के बारे की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। अब एडवर्ब क्या है कि यहाँ पर सीमा सांग वेल, तो यहाँ पे वर्ब की विशेषता बताई जा रही है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे चलते हैं कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, ये 5 टाइप्स थे। तो थोड़ा थोड़ा सबके एग्जाम्पल बताते थे। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? हार्ड है, वेल है, स्लोली, फास्ट, ब्यूटीफुल, केयरफुली। नेक्स्ट देखते हैं हमारा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या है। तो देयर, हेयर, आउट, अवेज, एवरीवेयर, नियर, अवे, अबाउट, स्लो। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे जो है एडवर्ब ऑफ टाइम, जहाँ पे समय का पता चले कब दिया हो। तो एस्टरडे, टूडे, टुमारो, लास्ट मंथ, नाउ, देन, सून, बिफोर, ईटीसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी बार, वहाँ पे बताया जाए, भाव एक्सप्रेस हो। तो एलवेज, एलवेज, ऑफ्टेन और सेल्डम्स, नाइस, ट्विस, नेवर, अगेन, समटाइम्स। लास्ट हमारे 5 टाइप्स हो जाएगा कि एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का मतलब होगा कि यहाँ पे मात्रा का पता चले, तो इनफ, टू मच, मेनी, ईटीसी। तो आ जाते हैं गाइज, हम इसके जो प्रैक्टिस सेट लेकर के आए उस पर डिस्कस करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पे पहला है कि अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव अदर अदर एडवर्ब आर अ प्रीपोजिशन इज कॉल्ड। तो गाइज अभी हमने बताया है, तो ये हो जाएंगे हमारे एडवर्ब। डी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न है कि ऑलवेज इज द काइंड्स ऑफ एडवर्ब। जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको बताई कि ऑलवेज जो है किस प्रकार में आएगा, तो ऑलवेज हमारा बी ऑप्शन दिस बी से करेक्ट हो जाएगा। हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आपको बताए थे कि कौन कौन से आएंगे। अब एडवर्ब ऑफ टाइम्स में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे भी अभी हमने एग्जाम्पल सबका बताए थे कि इसमें क्या आएगा, तो ये हमारे सी हो जाएंगे, टू डे, टाइम का पता चल रहा है। तो नेक्स्ट हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि विच सेंटेंस इज करेक्ट। तो आपने अपना चारों प्रश्नों पे निगाह दौड़ा दिए होंगे और सेलेक्ट भी कर लिए होंगे। तो मैं चलिए बता देती हूँ कि हमारा बी दिस ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी, शी सिंग्स अ सॉन्ग ब्यूटीफुली। नेक्स्ट देखते हैं इन द सेंटेंस मोहन कैन रन वेरी फास्ट। तो अब यहाँ पे वेरी फास्ट इस सेंटेंस में जो है इंडिकेट किस वर्ब का कर रहा है, कौन सा है जो एडवर्ब का जो इंडिकेट कर रहा है। तो गाइज आई होप कि बहुत इजी है, आप लगा दिए होंगे, हमारा भेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ही वाज क्वाइट एन इंटेलिजेंट बॉय। इन द अबाउट सेंटेंस विच वर्ड इंडिकेट द एडवर्ब। तो आई होप आपने सेलेक्ट कर लिए होंगे, हम भी सेलेक्ट कर देते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे गाइज, क्वाइट हो जाएगा, डी ऑप्शन दिस करेक्ट। नेक्स्ट है सातवां का हमारा जो है प्रश्न यहाँ पे कि एडवर्ब्स आर मच, इनफ, स्टिल, ऑल ऑफ दोस। तो आई होप आपने सेलेक्ट कर लिए होंगे, सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा प्रश्न नंबर है यहाँ पर कि एडवर्ब्स एट इज यूज्ड इन द। एट कहाँ पर यूज होता है, किस वर्ड एडवर्ब के प्रकार, पोजिशंस, पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस और बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस, नॉन ऑफ दिस अबाउट। तो ये हमारे करेक्ट इसके बी हो जाएंगे, नेगेटिव सेंस में। कोई चीज़ होता है तो कहते हैं नहीं फिर भी तो ऐसे होता है, तो वहाँ पे लगाया जाता है एट का प्रयोग। नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो गाइज इसमें हम आपको
ए बी सी डी आप सब नहीं करेंगे, पूरे सेंटेंस पढ़ेंगे, आप खुद इसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, सेलेक्ट करेंगे कौन सा एरर पार्ट है। देखेंगे आफ्टर सिक्स मंथ्स ही वॉज अंडरस्टूड एवरी वन इन अमेरिकन परफेक्ट। तो हमारे इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा गाइज, तो हमारे डी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट। अब परफेक्ट क्यों हो जाएगा तो इसको भी इंक्लूड करके बताना तो पड़ेगा आपको, परफेक्ट की जगह परफेक्टली का प्रयोग होगा क्योंकि वर्ब जो है अंडरस्टूड की विशेषता एडवर्ब बताता है, एडजेक्टिव नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर है कि ही दसवां का हमने बता रही हूँ मैं, ही वर्कड हार्डली बट द फेल्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज। तो इसमें क्या होगा, दस का हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन दिस इरर। क्यों इरर है तो इसे भी तो आपको बताना है, हार्डली की जगह हार्ड का प्रयोग होगा क्योंकि हार्डली का अर्थ मुश्किल से है होता है, जबकि हार्ड एडजेक्टिव और तथा एडवर्ब दोनों होता है इसलिए। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं हमारा दसवां ग्यारहवां की प्रश्न की तरफ, हमारा ग्यारह का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दिस कार इज इन अ बिग फॉर टू पर्सन्स टू सिट कंफर्टेबली। तो कौन सा ऑप्शन इरर हो जाएगा गाइज, इसमें बी ऑप्शन हमारा इरर हो जाएगा, ए हो जाएगा गाइज इनफ बिग। क्यों होगा ये भी तो आपको इंक्लूड करना है, तो एनफ बिग की जगह बिग एनफ होगा, उल्टा दे दिया है, बिग जो हो जाएगा यहाँ और एनफ यहाँ, क्योंकि क्यों होगा एनफ का प्रयोग होगा क्योंकि एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद ही होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 12 का है कि दिस बुक इज मच इंटरेस्टिंग एंड इज वेरी पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा इरर पार्ट। क्यों तो इसे भी तो बताना है आपको, बता देते हैं कि मच की जगह भेरी का प्रयोग होगा क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले भेरी का प्रयोग होता है, न कि मच का प्रयोग होता है, दिस पार्ट इरर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 13 का हमारा जो है द टीम मैनेजमेंट मैनेजमेंट टू स्कोर टू गोल्स वनली इन द मैच। तो इसमें इरर पार्ट हमारे हो जाएंगे सी, तो सी हमारे इरर पार्ट हो गए, नहीं गाइस सी तो यहाँ पे है, तो सी हमारे इरर पार्ट हो गए, टू गोल्स वनली। अब टू गोल्स वनली की जगह वनली टू गोल का प्रयोग होगा क्योंकि वनली का प्रयोग उसके ठीक जो है पहले होता है, उसकी विशेषता बताने के लिए। ओनली का प्रयोग कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, गोल का प्रयोग होगा इधर होगा। नेक्स्ट देखते हैं द टीचर रिक्वेस्टेड द बॉयज टू नॉट मेक अ नॉइज। तो हमारे इसके ऑप्शन बी दिस इरर पार्ट हो जाएंगे। क्यों होंगे तो इसके रीजन क्या होंगे हमारे कि टू नॉट की जगह नॉट टू का प्रयोग होगा क्योंकि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बीच जो है एडवर्ब नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ये जो है टू यहाँ पर हो जाएगा नॉट इधर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रश्न है कि ही कैन नॉट स्पीक बिकॉज दिस हेल्थ इज टू बैड। तो इसमें इरर पार्ट चूज करना है, तो इरर पार्ट आपके डी हो जाएंगे। क्यों डी है इरर पार्ट, आपको ये भी तो इंक्लूड करके बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दिया हुआ है गाइस कि टू हेड सॉरी टू बैड है, क्या है टू बैड की जगह वेरी बैड हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा वेरी, टू की जगह वेरी बैड का प्रयोग होगा क्योंकि टू का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर, आगे बढ़ती हूँ मैं, यहाँ पे जो है 16 का प्रश्न है, तो 16 में देखते हैं दिया हुआ है कि नो सूनर द वेल रेन्स देन द स्टूडेंट कम आउट फ्रॉम द क्लास। तो इसमें ईरर पार्ट गाइस कौन सा है, तो हमारा ईरर पार्ट 16 में हो जाएगा ए।
अब ए क्यों ईरर है तो ये भी तो आपको इंक्लूड करना है। तो ईरर नो सूनर द विल की जगह नो सूनर डिड, नो सूनर डिड यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ पे हम डिड का प्रयोग करेंगे। और नो सूनर डिड द विल, तो ओनली वन यहाँ पर प्रयोग हमें करना है, इसलिए ईरर पार्ट है। तथा आगे जो है रैन की जगह क्या होगा, इसके जगह क्या होगा, अरिंग का प्रयोग करोगे आप, होगा, क्योंकि नो सूनर के बाद पहले वर्ब या सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 का, कि दिस हाउस इज ओल्ड, अ फर्स्ट नीड अ रियल गुड हाउस टू लिव इन। तो 17 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो सी में 17 में क्यों, यहाँ पे देखेंगे रियल दिया हुआ है ना, रियल की जगह रियली हो जाएगा, यल वाई जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, रियली गाइज हो जाएगा, का प्रयोग होगा, क्योंकि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव गुड की विशेषता एडवर्ब बतलाता है, एडजेक्टिव यहाँ पे गुड है तो इसकी विशेषता ये बतलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा प्रश्न नंबर है कि फास्टली की जगह फास्ट का प्रयोग होगा, इसमें दिया है। ठीक है, जैसे 18 में ईरर पार्ट हमारे क्या हो जाएंगे, तो 18 का जो है हमारा ईरर पार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो बी हमारा जो यहाँ पे फास्टली है, तो फास्टली का प्रयोग क्या होगा, फास्टली की जगह हम प्रयोग किसका करेंगे, फास्ट का प्रयोग करेंगे, न कि फास्टली का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव है यहाँ पर, एडवर्ब दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का है, तो यहाँ पे आई हैव हार्डली सम मनी टू पर्च अ बुक। तो इसमें हमारा गाइस जो है बी ऑप्शन दिस इरर है, क्यों इरर है इसे भी तो बताना है आपको, बता देते हैं कि सम की जगह एनी हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, एनी का प्रयोग होगा गाइस, एनी का प्रयोग होगा, क्योंकि हार्डली के साथ सम का नहीं प्रयोग होता है बल्कि ये नी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेवर आई हैव सीन सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो इसमें ईरर पार्ट गाइज आपने सेलेक्ट कर लिए होंगे, हमारा ए है। अब इसमें ए क्यों है, यहाँ पे नेवर आई हैव की जगह नेवर हैव आई का प्रयोग होगा, नेवर हैव आई का प्रयोग होगा। ठीक है, तो क्योंकि नेवर के बाद पहले वर्ब सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, आप नेवर का प्रयोग पढ़े होंगे। तो गाइज आप कमेंट करके बताएंगे आपको कैसा लगा, इसी तरह के मैं इसके पार्ट के सारे, अब सेकेंड मेरी वीडियो इसके बाद आएगी।